कोरोना महामारी के संकट में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को महामारी से बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर BDPO कार्यालय के सामने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया। सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा, शहरी कर्मचारियों की तर्ज पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने, जूते, जैकेट, सैनिटाइजर सहित पूरी सुरक्षा कार्ड दी जाए, साथ ही उनका बीमा भी करवाया जाए। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 5 जुलाई से 3 दिन की हड़ताल करेंगे। हमारी मांगे है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए और 25 अप्रैल को अनिल विज सिंह के साथ सर्व कर्मचारी संघ के नेता नरेश शास्त्री जी उनके साथ संभवत हुए थे कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी कोरोना महामारी के काम करते हुए 4,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा और इनका 50 लाख का बीमा कवरेज किया जाएगा, लेकिन इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पास ना ही सुरक्षा उपकरण आज तक सरकार की तरफ से और ना ही जोखिम भत्ता और ना ही ESI के दायरे में लिए गए और PF की हमारी मांग है भी ये लागू करो। सरकार की तरफ से 9 सितंबर 2019 को पत्र जारी हुआ था और वित्त विभाग ने 21 मार्च को अपना जो सरकार की तरफ से पूरा काम करके BDO ऑफिस में भेज रखा पत्र, लेकिन यहाँ BDO ऑफिस में आज तक भी PF की कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ना ही लागू किया गया। इसलिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि हमारा PF काटा जाए जल्दी से जल्दी। और यहाँ के जो BDO साहब है, इन्होंने तो आई कार्ड से भी आज मना कर दिया दस्तक करने से कि मैं इस पर साइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट लिखो है। जब हमारे को सैलरी भी सरकार देती है, सभी सुविधा सरकार देती है, और BDO साहब कहते हैं कि पंचायत का ये नाम लिखवा के लाओ। वो अभी तक मेरे से उन्होंने मुलाकात नहीं करी है और PF के बारे में जो बताया है, इनकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और खाते खुलवाने शुरू कर दिए हैं। PF का खाता खुलवा दिया है। आपके पास कोई लेटर आया सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार से लेटर प्राप्त होया है, इनके PF के खाते खोल ले जाओ और उस पर हमने कार्रवाई कर दी है। PF के लिए हमने PF जो अपना ये अपना डिपार्टमेंट है उसको लेटर लिख दिया है और उनको खाता खुलवाने के लिए बोल दिया। अभी आप खाता खुलवाते हैं कार्यालय में दो और हम इनको PF में भेज दिया। ये 26 लाख धरना देंगे, अगर इनकी मांग ना माने गए तो ये प्रदेश स्तर पर भी जा सकते हैं, हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इनका धरने का जो भी कारण है, अभी तक इन्हें मेरे को ना कोई ऐसा ज्ञापन दिया है ना किसी नाम का बताया है। जैसे भी हमने इनका कोई ज्ञापन प्राप्त होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को भेजेंगे। हरियाणा के घरौना से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।